ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਤਿਵਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਨ ਵੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਵਾਪਸ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਏ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਬੰਦ ਜਿੱਥੇ ਟੂ ਵੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਨ ਵੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ हरियाणे ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਹੈ ਸਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਆ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਆਪ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖੇਤੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਰੋਚ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਆਏ ਕਿ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਾਰੇ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर बेहतर है तो बेहतर से बेहतर की तलाश कर मैं भारतीय जनता पार्टी जी तकरीबन 18 साल रहा जदों शामिल होया तो जदों छड़िया तद तक पूरी तनदेही नाल पार्टी दी काम कीता सदा सच दे नाल खड़ा होण दा गुरु साहब ने कृपा की थी कि राजनीतिक फिजा नूं जिहड़ियां चीज़ां ने प्रभावित करना सी वो चीज़ा दी भारतीय जनता पार्टी ने कोई कदर नहीं पाई मैं अपने थल्ले तो लैके वड्डे अहुदेदारां तक यह गल पहुँचाई कि ये तिने कानून अन्नदाता जिहड़ा देश दा अन्नदाता असीं 1955 च पहला कटोरा फड़ के अमेरिका आस्ट्रेलिया दे विच कणक मंगण जांदे सी इस अन्नदाता ने सानू दाते बनाया देने वास्ते उन्हां नू इग्नोर करके उन्हां दी रीढ़ की हड्डी तोड़न दे लई एक कानून बनाए गए इहदे लई भारतीय जनता पार्टी की पंजाब इकाई नू आवाज़ उठानी चाहिए बहुत ही काबिल बेदत सी वर्कर सी अहुदेदार सी पिछले 18-19 साल बहुत इंपॉर्टेंट पोजिशन च रहे है श्रोमणी अकाली दल शामिल होए है बीजेपी नू छड्ड के श्रोमणी अकाली दल च उन्होंने पूरा मान सत्कार दिता जाऊगा श्रोमणी अकाली दल नू तलाश है काबिल इंसानों की जेड़े इस 100 साल की पार्टी नू होर तगड़ा करके रख जै जी हिस्ट्री श्रोमणी अकाली दल की है किसी भी हिंदुस्तान की पार्टी की नहीं जो विरसा श्रोमणी अकाली दल का है अपने लीडर की हिस्ट्री है ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਮੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਮਜੀਠੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੜੇ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਹਿੰਮਤੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ
अपने पार्टी का स्पोक्समैन भी मैच में डिक्लेयर कर दें क्योंकि जिवें अपने विचार रखते हैं जिस तरीके अपने विचार रखते हैं बड़े कन्विंसिंग तरीके अपनी गल करते हैं सो पार्टी को एज ए स्पोक्समैन की लोड़ है जी पार्टी की जी जो गल है वो तन जनता पहुँचा सकन। बाकी मैं अज जो अमृतसर आया मैं देख रहा जिवें चमक धमक अमृतसर की बादल साहब के मुख्यमंत्री समय सी खिल रहा या सह लगता है जड़िया चीज़ा नवी सी उदों टुटिया लग रही हैं। चार साल च कांग्रेस की सरकार ने हुकूमत ने अमृतसर नूं तबाह कर दिता है। प्रायोरिटी चाहिए है जो वह भी सूबे की सरकार होए गुरु की नगरी अमृतसर नूं डिवेलप करने की प्रायोरिटी सारे की होनी चाहिए है क्योंकि गुरु की नगरी एक ऐसी पवित्र स्थान है दुनिया के कोने कोने तो संगत आती है। जिहड़ा प्रश्न इतों जाऊगा पंजाब बारे सारा प्रश्न इतों ही जाऊगा। मैं बड़ी कोशिश की जो अपना राज सी मैं डिप्टी मुख्यमंत्री सी मैं तकरीबन महीने चार या पांच बार इतने आता इन्हां गलियां जांदा ते केड़ी केड़ी चीज़ की लोड़ है हौली हौली करके असी सारिया चीज़ां बनाईयां इत्थे सड़कां नूं फोर लेन सिक्स लेन किया। नहीं तो मैं याद है जो आप खालसा कॉलेज की मेन रोड से जाते होंगे कि माड़ा हाल से आ जिन्ने पुल है जिन्ने भी फ्लाईओवर है कि ट्रैफिक होंदा सी। मैं तो कह सकता कि 100% जो भी कुछ बनया अमृतसर विच वो श्रोमणी अकाली दल दे राज दे दौरान ही बनया। मैं तो एक मैं पूछना चाहना है इतों की कांग्रेस की लीडरशिप में मैं तो अज नाल मेरे बैठे जी गड्डी मैं क्या जनता सवाल नहीं पूछ रही कांग्रेस तो कि बुरा हाल कर दिता शहर का जेडे डिवाइडर लाए सी मैं कहना जो लाइना खुली सारिया टुटिया पई कोई चक के लै गया कोई परवाह नहीं रिफ्लैक्टर लाए सी टुटे पे है हैरीटेज स्ट्रीट जी इन्नी खूबसूरत बनाई सी अज उ भी बुरा हाल है। जवाब की लोड़ है मंगन की लोड़ है पंजाब अमृतसर की जनता नूं इन्हां हर कांग्रेस का भावें एम सी है भावें उन्हां दा लीडर है भावें एम एल ए है भावें इन्हां दा मिनिस्टर है उन्हां तों जवाब मंगन की लोड़ है तुसीं क्यों किवें इतबाह कीती क्यों तबाह कीता पंजाब अमृतसर। परमात्मा की मेहर होए साल रह गया पंजाब विच पंजाबियों की सरकार बने। मैं तुहानूं इन्ना गरंटी करदा जिहड़े अधूरे काम रह गए अमृतसर शहर मैं गरंटी करदा अगले पांच सालों के अंदर हिंदुस्तान का तो सब तो वधिया शहर बना ही देवांगे पर इंटरनेशनल लेवल के शहरों के मुकाबले का शहर जिथे सफाई जिथे इंफ्रास्ट्रक्चर जिथे पार्किंग सिस्टम जिथे जिवें हैरीटेज जी आप स्ट्रीट बनाई है मेरा मन है कि सारी वर्ल्ड सिटी उस तरीके ना बनाई है सारी वर्ल्ड सिटी कि लोग जो आन टूरिस्ट आन तो पता लग जाए। हूँ भी कई लोग आते हैं कई मुख्यमंत्रियों ने मेरे न गल की देश के दे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने अपनी टीम भेजी देखने वास्ते कि विरासत मार्ग किमें बनया वो वाराणसी बनाने चाहते थे आंध्र प्रदेश तो टीम आई देखने वास्ते। काम करना कोई औखा नहीं है जज्बा चाहिए हिम्मत चाहिए है प्लानिंग चाहिए है सोच चाहिए है जिहड़ा मुख्यमंत्री बनता है उसका निशाना होना चाहिए। मैं जिवें पंजाब लिता है तो किवें दस गुना भी गुना किवें अगे लैके जा सकां मुख्यमंत्री की सोच वह नहीं होनी चाहिए कि मैं हुण बन गया तो हूँ मैं पांच साल ऐश करना जिमें अज का मुख्यमंत्री कैप्टन कर रहा। अज मीडिया सारी बैठी है तुम भी अपने आप को सवाल करो पुछो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पिछले चार साल कि बार इतने आया
किन्नी बार इन्होंने सड़क च आया, किन्नी बार हैरिटेज स्ट्रीट चुने गड्डी रोक के तुर के देखिया हो, जिहड़े अपने चारों तरफ आप चीज़ा बनाईया सी, म्यूजियम बनाए सी, की उत्थे उन्होंने जायजा लिता। इस करके अज इत्थे आए हैं, नाले अज नहीं साहब श्रोमणी अकाली दल शामिल होए, मैं फिर तो उन्होंने जी ऐ कहना, होर कोई सवाल जे है जिवें कोई पाकिस्तान नूं डील करी जांदा हुंदा कि असीं आ कर दांगे, वो कर दांगे, ये कर दांगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नूं पता होना चाहीदा आ पंजाब दे बहादुर किसान है जिन्हां ने जिहड़े अज रेल गड्डियां पटरियां ते बैठे क्यों बैठे है, हक की लड़ाई वास्ते बैठे है। ते ओल किसान जे पूरे देश नूं अन्न दिंदे रहे है, आज जे वो कुछ चीज़ मंगते है थोड़ा हक नहीं है, ऐं तुसीं जबरदस्ती करोगे रेल बंद कर दोगे, असीं आ कर दांगे वो कर दांगे, ऐं देश नहीं चलते। जिस तरीके ना आज सोच चल रही है सेंटर की, मैं स्ट्रोंगली कंडेम कर रहा। मैं उही जिवें कहा ना कि केंद्र सरकार अपनी ऐ बना लिया इशू उन्होंने कि जिवें ना कि एक ऐसे स्टेट नाल डील कर रहे हैं, ऐसे लोकां नाल कर रहे जिहड़े अपने दुश्मन है, आ रवैया जिहड़ा सेंटर दा बहुत माड़ा है। ते मैं एक आ भी कहना चाहुंदा, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सूबे का मुख्यमंत्री है, किसानों नूं तां अगे ला के किसान तो धरना दे रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह की कर रहे हैं? जे सूबे के सारे किसान सड़कों पर है, अमरिंदर सिंह का रोल की है? कल्ला अपने फार्मों च रहना रोल तो नहीं है, कितने शाम थोड़ू वीडियो जी देखते हो रोल तो नहीं है। कैप्टन की कर रहा है? दिल्ली जाता है घंटे वास्ते, उत्थे ड्रामा च धरना दे के यार। कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं प्रधानमंत्री कोले जाना चाहिए, रेलवे मिनिस्टर कोले आप जाना चाहिए, दिल्ली जाके रेलवे मिनिस्टर नूं नहीं मिल सकते? अपनी गल जो गल मुख्यमंत्री दी होगी गल करूगा वो एमपी नहीं कर सकते, एमपी गवर्नमेंट नूं रिप्रजेंट नहीं करते, गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट नूं रिप्रजेंट कल्ली पंजाब सरकार कर सकती है, मुख्यमंत्री कर सकती है। क्यों नहीं कैप्टन साहब उत्थे जाके दबाव पाते? सूबे के मुख्यमंत्री है, कोई मामूली गल नहीं है, क्योंकि इंटरेस्टेड नहीं है। असीं लड़ाई अलग अलग नहीं लड़ रहे, मैं तैनूं क्लियर किया सारी, मैं हर स्पीच मैं क्लियर किया, जदों असीं अपना काम शुरू किया एज पहली गल है श्रोमणी अकाली दल, पूरे हिंदुस्तान दी जिन्नियां भी किसान जथेबंदियां हैं, सब तो वड्डी किसान जथेबंदी श्रोमणी अकाली दल है, एक पोलिटिकल पार्टी है जिहड़ा मैं पार्लीमेंट च गया जिहदे 95% वर्कर भी किसान आप है, तो लीडर भी किसान आप है। तो इस करके असी मैं उदों कहा जदों असी अपने मार्च शुरू किए, एक इंप्रेशन चला गया किसान जथेबंदियों नूं कि असी एक पैरेलल करना चाहते हैं, उन्होंने इतराज लाया, असी उदों ही मैं कह दिता सानू असी उन्होंने मगर लगन को तैयार है, सानू तो हुक्म कर, इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए कि असी दो अलग अलग। तो उस करके असी अज तक जो हुक्म करने किसान जथेबंदियां असी मनन को तैयार है, अज तक मैं क्या उन्होंने झंडे थले भी करन को तैयार है। एग्जिट पोल बिहार च बाल साहब महागठबंधन की सरकार बनती दिस रही है, बीजेपी गठबंधन जिहड़ा एनडीए वो हार रहा है, कि श्रोमणी अकाली दल 2022 दे इलेक्शन च किसी होर नाल गठबंधन करन नूं तैयार है? हले मैं कुछ कह नहीं सकता, हले बड़ी टू अर्ली है। अस पहली गल असी श्रोमणी अकाली दल नूं तगड़ा करते लगे हैं, असी 117 सीटां ते श्रोमणी अकाली दल नूं बहुत मजबूत बना देना, जो उदों सिचुएशन होनी आ उदों देखी जाऊगी, हले कोई साडा कोई इमीडिएट प्लान नहीं। सर की ओह जिहड़ा बिहार च हो रहा एग्जिट पोल च नतीजे उहनां दे बाहां गठबंधन दे दस्से जा रहे ने कि ग्राफ दिख रहा? मैं पहली एक गल तुहानूं दस्सां, हुण एनडीए रह ही नहीं गया देश च, मैं लगता जेडीयू एनडीए दा लास्ट हिस्सा सी, वह भी मैं लगता जय जी हालात की है, जय जी उन्होंने पासवाना जां डील कोई हुई है,
ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇਡੀਯੂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਐਨਡੀਏ 'ਚ ਹੈ ਕੌਣ ਐਨਡੀਏ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੇਪੀ ਸਿੰਘ ਕੈਂਬਰਿਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕੇ ਯੂਐਸਏ ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੈਂਬਰਿਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟ ਟੀਮ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਬਰਿਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਕੋਲ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਧੰਨਵਾਦ